उच्चिष्ट लेपान अनुमोदितो विजयते सकृत सकृत्स्म भुंजे तत्पाश्च किल विषयः एवं प्रवृत्तस्य विशुद्ध चेतसा तद्धर्म एवात्मरुचि प्रजायते। उनकी अनुमति से मैं केवल एक बार उनकी झूठन खाता था और ऐसा करने से मेरे सारे पाप तुरंत ही नष्ट हो गए। इस प्रकार सेवा में लगे रहने से मेरा हृदय शुद्ध हो गया और तब वेदांतियों का स्वभाव मेरे लिए अत्यंत आकर्षक बन गया। देखियो जे व्यक्ति से आकर संबंध बनवे के पैसे ना वो व्यक्ति कहा वस्त्र अगर धारण कर लेवे तो कोई व्यक्ति के प्रति यहाँ का स्नेह भ जाए, वो व्यक्ति कहा झूठ खा लेवे तो व्यक्ति के प्रति यहाँ का स्नेह भ जाए, वो व्यक्ति कहा सेवा कर देवे तो अहाँ का अपने आप स्नेह भ जाए। जेना विवाह हो तो विवाह से पहले लड़की के जैसे कोनो और प्रजाति से कोनो और घर से हो लड़का कोनो और घर से हो लेकिन जखन पत्नी पति का सेवा करे पति पत्नी का ख्याल रखे तो अपने आप दोनों में संबंध हुआ लगे पांच दस साल में वो इतने घनिष्ठ संबंध हो जाए जे वो जे लड़की से तो अपन घर वाला सबका मुँह से अलग होकर ई घर का अपन घर हो हाई ब्रांड का दवाई है। मैं हम झारखंड में प्रचार करे थे ना तब हमको झारखंड में ही दवाई ले वाला उतर हाँ सर विश्वास नहीं करोगे तो पाँच मिनट छोड़ो भी नहीं पता चले चल चले अच्छा वो छोड़ा हमारा मारे लो पाँच साल पहले महीना तो करे चलिए तो अपन गैंग लो क्या करें डांस करने की आयो भाव से स्टेज पर बैठ कर कीर्तन करिए और डांस करिए तो हरी नाम का जो नशा छे ना वो ई वाला नशा से कहीं ऊपर छे। तो हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे आए ओकर मैं हमरा फोन केना चले जे हां पर बेटा के सुधार हम बहुत बहुत आभार हम की सुधार बे भगवान के नामे में वो शक्ति छे। ते तो प्रतो नारद मुनि ते छथिन जे हमर सौभाग्य छला जो हम एहन महान आत्मा के उच्चिष्ट खैला हमरा भेटल तो वो कहे ना जेहन अन्न ओहन ओहन मन अहाँ जेहन अन्न खेबे सात्विक आहार करबे तो अहाँ के मन केना भ जाए सात्विक भ जाए, अहाँ तामसिक आहार करबे तो अहाँ के मन केना भ जाए तामसिक भ जाए। तो सात्विक आहार करी आ अहूम शुद्ध सात्विक जे भगवान का भोग लागल छे भगवान गीता में कहे छथिन यज्ञ शिष्टा सीना संतो मुच्यन्ते सर्व किल विषय भूंजते ते तु अघम पापा ये पचन्ति आत्म कारणा। अर्जुन अगर कोई यज्ञ यज्ञ वो विष्णु मन भगवान का भोग लगा कर प्रसाद खाइया तो सब पाप से मुक्त भ जाइया और अगर कोई अपन स्वार्थ के लेल खाइया भगवान का भोग नहीं लगा कर वो व्यक्ति केवल पाप खा रहले की खा रहले जे अपना सब खेत जोते छे तो खेत जोते छे तो अनेक कीड़ा जे माटि के अंदर रहे छे से उल्टा भ जाए छे तो सूर्य किरण से ओकर मृत्यु भ जाए छे। हां अनाज उपजबे छे लेकिन अपने आप अहाँ के हाथ से की भ जाइए पाप भ जाइए। तो पहिना पहिल हल जे छे से राजा चलबे छे पूजा को तहिना जनक महाराज हल चलौथिन तो सीता माता भेटलखिन तो वो जे हल चलो ही छे वो तखे वो पाप से मुक्त हुई छे आ तखे वो जे अन्न उपजे छे से आप पालक काट दे छे तो अंत में पाप ता को हाथ से हुई तो भगवान के छे आ भगवान का अर्पण कर मैं तो दिया मस्तु गोविंदा तुभ्य देव समर्पिता तखे ना पाप से मुक्त हो जाए। एक बेर एक ता युवक छला वो अपन युवावस्था में नदी पार उनकर एक प्रेमिका रहे थे वो प्रेमिका के प्रेम में वो मना किच किच भेंट लो जेना इस और रोज नदी पार करके जाए चले। तो एक दिन की भले
जे ओ फूल लके जाय छला युवक आप नदी में बाढ़ जका अवस्था के जे बाढ़ होवे वाला छे त जे चलवे वाला छला ओ कहलकिन जे भाई जी आ के तैरो भैया बोलकिन नहीं त कहलकिन आप जे छे 2 मिनट में ई पलटी होवे वाला छे नाव आ दुनू गोटा के मृत्यु के चांस है हमरा तो तैरो भैया वहां अपन देख लिया तो कहते जगह मृत्यु हमारा प्राप्त होइए वाला है तो हम की करब एतेक तो बुद्धि ओकरा छले तो कथा सुनने जरूर हेते तो गुलाब का फूल ल क हवा में फेंक के कहल के गोइंद अर्पण वस्तु अब मरिए वाला छी तो कम से कम के हाथ में फूल से हम गोविंद का अर्पण कर दी करिए सद्बुद्धि आ मृत्यु भ गेलै मृत्यु भ गेलै तो यमराज के कोर्ट में लगे गेलै तो यमदूत सब कहल के जे ई एना एना पाप के नै छै आई कर पुण्य मत बेसी किछ नै छै बस अंत में भगवान का ई फूल देलखिन आ ओकरा तो पुण्य छै तो यमराज कहल के जे देखियो अहाँ जे केने छी ओहि हिसाब से एते केते साल अहाँ के नरक में रह पड़त आ अहाँ के दू क्षण के लिए स्वर्ग में ओ लॉ जाय पड़त जैसे अहाँ ई निकाल केने छी कहा स्वर्ग में जाकर नीचा आब चाहे छी कि नीचा से मारि खा के फिर स्वर्ग जाय चाहे छी वो सोचल के जे पहिने स्वर्ग जा को तो कहल के ठीक छे यमदूत को कहल के 2 मिनट स्वर्ग बद ओकरा घुमा के नै लाओ ई की कहल के हमरा स्वर्ग में लऽ जाम ना तो एतो अपन नै लऽ जाम कोनो गार्डन में लऽ जाम कहल के ठीक छे नंदन कानन गार्डन कहल जाय छे स्वर्ग में लऽ गेला जखन लऽ गेलखिन यमदूत स्वर्ग में ई की कहल के बदमाश ओ गार्डन में जते फूल रहे छे तोड़ तोड़ के गोइंद अर्पण वस्तु गोइंद अर्पण वस्तु गोइंद अर्पण वस्तु गोइंद अर्पण वस्तु आ एकर पुण्य बढ़ लगले आ एकर स्वर्ग में रहे का काल बढ़ लगले तो भगवान का अगर हम किछो अर्पण कर दे छे तो भगवान प्रसन्न हो जाए छे पत्रम पुष्पम बलम सोयम योमि भक्त्या प्रयच्छति तद अहम भक्ति उपरितम अश्नामि प्रयतात्मनः प्रभु जी लगे कैमरे से सबको देखा रहे थे हरे कृष्णा कह दियो सब लोग हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे गोपीनाथ मंदिर से गोपीनाथ मंदिर से हमर सब मुंबई मंदिर से तो सब सब देख रहे थे ओतो से बहुत गोटा एतो भले ही अबे नहीं छे लेकिन ओतो से दान दे छे तू का प्रोग्राम करे ओतो सब किचन में सेवा करे छे थी लेकिन जिनका पता चले जाए तो कथा छे तो किच किच अपन अपन पगार से काट को तो दान दे छे जखन को कहे के देखो नहीं कहां को उनका चिंबो नहीं कर मिले तो प्रेम एहन चीज छे वो बता के व्यक्त नहीं हो जाए कि लोग कह आई लव यू से किच नहीं होई कोनो मैं अपन बेटा का आई लव यू नहीं कहे लेकिन लाख गुना प्रेम करे आ कॉलेज को छोड़ आई लव यू कह दे छे हाथ में खंजर भर दे वाह तो सब बुढ़िया तो हंस रहे थे कभी पता लग गए सत्य छे सत्य छे ना माई तो नारद मुनि कॉल की जा हमर हमर सौभाग्य छे जे हमरा महाप्रसाद भेटल आ ओई कारण हम भक्त बन गेलो आ फिर हमरा ई भक्त सो हमरा मार्गदर्शन के लेंगे जहाँ भगवान का केना प्राप्त कर सके करे करे हम कैसे हमर माता असगर छली आ हमर माता को हम केना असगर छोड़ देती है ई मोह हमरा कनिए छला लेकिन एक दिन एना भेले जे हमर माता दूध गैस दूध निकाले के दोहे लगी गेली आ जखन गेली तो अनार हुनका सांप काट लेल गेल आ हमर माता का मृत्यु भ गेल तो भगवान हमारे एकटा आसक्ति छल ओहो निकाल देलखिन हमरा मुक्त कर देल तो हम ठानलिए जे आब हमरा कोनो संसार नहीं बसवे के संसार का जाल में नहीं फंसे के हमरा एकटा काज करे के हमरा भगवान के दर्शन करे के तो हम जाकर ध्यान लगवा लगलिए जे हम योगी सब से सुनने रहिए कि महात्मा सब से सुनने रहिए अब हम ध्यान करे चलिए तो भगवान हमरा दर्शन दे लेंगे लेकिन भगवान कहले जहाँ ई जन्म में मुक्त नहीं है आपको हम पूरा दर्शन अगला जन्म में दे तो ओ खत्म भेला के बाद अब अहाँ सबका काल बूढ़ पड़त काल एना हुई छे
कलयुग होइ छै 4,32,000 साल। कतेक? 4,32,000 साल। द्वापर युग होइ छै ओकर दुगुन्ना, कतेक भेलै? 8,64,000 साल। त्रेता युग होइ छै तिगुन्ना, कतेक भेलै? 12-13 लाख आसपास। आ सतयुग होइ छै 4 गुना। ई चारू युग मिला लेबै तो एक दिव्य युग होइ छै, तो चारू युग मिला लेबै तो भऽ जेतै। हरि बोल, बहुत सब खुश छै, हमहुँ खुश छी। हरि बोल, देखियौ हरि बोल करै छै। वाह, एहि पर हम आगे एकटा कथा सुनायब की भेलाके बाद ई विषय जरूर यदि कथा में हमरा और एकटा कथा याद होवे तरीका फिर एक वाला विषय जे त ई चारू युग हम मिला लेबे तो टोटल मिला के भ जेते 42,43,20,000 साल, 43,20,000 इयर्स। एकरा कहै छै एक दिव्य युग। एना हजार दिव्य युग भेला के बाद ब्रह्मा जी का खत्म होइ छै 12 घंटा। कते? जेना ई अहाँके बल्ब के सामने कीड़ा तीड़ा देखा रहल, कीड़ा तो ई कीड़ा रात भरि में अखन जन्म लै छै, रात भरि में मरि जाइ छै, लेकिन अइ एतबे कालखंड में 100 साल जी लै छै, ओकर 100 साल। ओहि में ओकर सबटा भऽ जाइ छै आई लव यू, बियाह, कन्या, बच्चा, दादा दादी, नाना नानी, मृत्यु, 100 साल। अहाँके कतेक बेर? 5 घंटा, आ ओकर 100 साल। ओना ब्रह्मा जी के